हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। होपफुली आप लोग लास्ट लेक्चर कर पढ़ लिए होंगे। देख लिए सब लोग? झूठ बोल, बहुत कम लोग देखे हैं। मैं कमेंट देखा हूँ, अभी बहुत कम लोग देखे हैं। मैं असाइनमेंट भेज दिया हूँ, आपको असाइनमेंट करना है एज पर डेडलाइन। देखो, आपको होता क्या है ना, अगर आप डेडलाइन नहीं फॉलो करोगे ना, तो अल्टीमेटली आप चक्कर में फंस जाओगे। आपके पास इतना कुछ काम होगा और आप मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आप जो हम डेडलाइन है उसको करते जाओगे, तो आपको हमेशा लगे कि नहीं, हम सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको लगे कि बहुत कुछ काम है और कुछ नहीं करने का मन करेगा, परेशानी में हो जाओगे। बेटर क्या है, आपको जो जिस समय कहा जाता है, जिस टाइम, हम लोग टाइम देख के आपको इतना देर में ये करना है, फिर नेक्स्ट 2-3 डेज का वर्क दे रहे हैं देख के, तो आप उस टाइम में कंप्लीट कर लो। एंड आई एम गिविंग इनफ टाइम। अभी आपके पास घर पे स्कूल का भी प्रेशर नहीं है, बहुत टाइम होता है, आप आराम से कर सकते हो। आपको जो भी असाइनमेंट जाएगा उसको टाइम पे सबमिट करो, उसके बाद फिर हम उसका लाइव डाउट सेशन लेंगे, आपका जो भी डाउट हो क्लियर कर देंगे। ऐसे होपफुली ज़्यादा क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए, हमको नहीं तो बहुत डाउट होगा, बट जो भी होगा विल क्लियर डैट। और ये तब तक की टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है? ओके, जैसे मैंने कहा था कि आज ये मैकेनिकल वेव का लास्ट क्लास है, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ छोटे टॉपिक बचा हुआ है, बीट बचा हुआ है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स बचे हुए हैं, अदरवाइज ये खत्म हो चुका है। आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको आर्काइव्स वगैरह बनाने के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब वो कॉन्फिडेंस आए क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, ठीक है? ओके, सो हमने कल देखा था स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, देन वी सॉ स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड क्लोज एट वन एंड। अब हमको ऐसे तो कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं आते हैं, नीट मेंस में अभी तक तो कभी नहीं पूछा है, एडवांस में पढ़ा दे रहा हूँ, पैराग्राफ में दे दे या क्योंकि रोडो में क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर है कुछ भी नया नहीं, बहुत ही सिंपल है। एक रॉड लेते हैं, कुछ नया नहीं, आपको लगे नहीं कुछ न्यू हम पढ़ रहे हैं। रॉड, और रॉड को अगर हम हैमर करेंगे तो साउंड जनरेट होगा, यहाँ से साउंड जाता है ना, ये जाता है कि नहीं जाता है? जब साउंड वेव जा रहा है, इसका मतलब क्या है बोलो? कि उसका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। अब हमने यहां पे क्लैंप कर दिया, इसको क्या कर दिया? क्लैंप। इसको यहां पे मानते हैं क्लैंप कर दिया रॉड को, बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पे हमने इसको क्लैंप कर दिया। अब हम मान ले रॉड को हैमर किया, अब जो क्लैंप एंड है वो फिक्स एंड है, सो वो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। जब वो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, दैट पॉइंट विल एक्ट लाइक अ नोट। कोई दिक्कत है? वो पॉइंट किस तरह काम करेगा? नोड की तरह। अगर ये नोड है और ओपन एंड एंटी नोड है, ये हमारा नोड है और ये क्या है? एंटी नोड। क्लैंप बैंड विल एक्ट लाइक अ नोड एंड दिस विल एक्ट लाइक अ एंटी नोड। यहां तक कोई समस्या नहीं? क्यों नोड की तरह काम करेगा हम लोग कल समझ चुके हैं पक्का। अब अगर ये नोड है, ये एंटी नोड है, फंडामेंटल मोड क्या होता है? मैक्सिमम लैम्डा क्या होता है? मैक्सिमम लैम्डा कि ये ऐसा हो। इस केस में क्या होगा? एल बाई टू इक्वल टू लैम्डा बाई फोर। मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस इस केस के बीच में क्या हो सकता है? लैम्डा बाई फोर ही ना। तो इस केस में हमने बीच में नहीं बना पाया, हमने इसको ये एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड। सो एल बाई टू लैमडा बाई फोर, सो लैमडा इक्वल टू क्या हो गया? 4 × L/2। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाई लैमडा, दैट इज वी डिवाइड बाई 4 L/2। कोई दिक्कत नहीं ना? तो काट देते हैं। सो क्या आ गया? वी बाई टू। कुछ गलती किए हैं क्या? कुछ गलती किए हैं क्या? बोलो 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 बोलो। नहीं किए ना? फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? वी बाई टू।
ये क्या फंडामेंटल, ये क्या हुआ फंडामेंटल। अब चलते हैं, अच्छी किसका वेरिएशन है डिस्प्लेसमेंट का, किसका है ये डिस्प्लेसमेंट का, नहीं कल ही हम लोग देखे हुए हैं यहां पे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट का है ये, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट मोड इसमें क्या हो सकता है, हमको पता है कि क्लैंप एंड तो नोड ही रहेगा, क्लैंप एंड को नोड ही रहना है, सो और ओपन एंड को एंटी नोड रहना है, सो कुछ ऐसा हो सकता है। यही ना, सो अब ये एल बाई टू है, सो नाउ टेल मी व्हाट इज एल बाई टू, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर दैट इज थ्री लैम्डा बाई फोर, राइट। सो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज टू एल बाई थ्री, लैम्डा क्या हो गया टू एल बाई थ्री, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को डाउट है, किसी को डाउट, किसी को डाउट, किसी को डाउट, नहीं। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, वी बाय लैम्डा, सो वी डिवाइड बाय 2l बाय 3 दैट इज 3v बाय 2l। सो इसका देखो थर्ड हार्मोनिक, ये कौन सा हार्मोनिक है, फंडामेंटल है या फर्स्ट हार्मोनिक, और ये कौन सा हार्मोनिक है थर्ड हार्मोनिक, फिर आगे आ गया तो देखोगे आप फिफ्थ हार्मोनिक, आप देखोगे अगर बीच में हमने क्लैंप किया तो ओनली और हार्मोनिक पॉइंट उठेगा, मैं कौन सा केस लिया हूं मिड पॉइंट पे क्लैंप किया, अगर मान लीजिए कोई यहां पे क्लैंप कर देगा इसका सब कुछ अलग हो जाएगा, इसका फंडामेंटल मोड कुछ ऐसा होगा, राइट। एल बाय फोर इक्वल टू लैम्डा बाय फोर, अगर हमने एल बाय फोर पे क्लैंप किया तो ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो यह होगा लैम्डा बाय फोर और थ्री बाय फोर इक्वल टू थ्री लैम्डा बाय फोर, तो इसका कुछ अलग फंडामेंटल मोड होगा। बहुत ज्यादा मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस बता दिया, कुछ नया हमने पढ़ा है क्या, हम कुछ भी न्यू नहीं पढ़े हैं, हम बस ये देखें कि जहां पे क्लैंप है वो नोड है, दैट्स इट। तो यूट्यूब में यही क्वेश्चन था इसलिए मैं करवा दिया, आपको कहीं कहीं मिलता है बुक्स वगैरह सिंगल वगैरह में क्वेश्चन दिया था, मैं करवा देता हूँ। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये क्या है थर्ड हार्मोनिक, फेगा फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, इस तरह और हार्मोनिक चलते रहेगा, कोई डाउट, ओके मुझे एक डाउट है, वी क्या लेंगे, वी 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 क्या है यहाँ पे, वी 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 क्या है velocity of sound in rod, v क्या है velocity of sound in rod, sound ये कोई मत समझना कि यहाँ पे transverse wave बना रहे rod में, rod में हमने hammer किया है sound wave generate हुआ, कुछ समझ hammer किया rod ऐसे ऐसे कर रहा है, बिल्कुल नहीं, हमने rod को hammer किया उसमें sound wave generate हुआ उसके कारण rod का particle oscillate कर रहा है, पक्का, okay। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड कैसे निकाले थे, कुछ समझ में कुछ याद आ रहा है, इट वाज अंडर रूट वाई बाय रो, यहाँ वाई क्या था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो इज डेंसिटी ऑफ रॉड, रो क्या है डेंसिटी ऑफ रॉड, कोई दिक्कत नहीं ना, सो आप इसको लिख सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू आपको ये भी मिलता है 1 बाय 2l अंडर रूट y बाय रो, ये क्या हो गया थर्ड हार्मोनिक का फर्स्ट ओवरटोन, ये क्या हुआ थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन दैट इज 3 बाय 2l अंडर रूट y बाय रो, पक्का कोई डाउट नहीं, बहुत आसान चीज है, कुछ होने में कुछ नया हमें पढ़ाया ही नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं भी बस पढ़ा दे रहा हूँ, तो मैं बस बोल दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ नया लगे, कहीं आपको दिख जाए तो आपको लगा कि ये नहीं पढ़ा हुआ नहीं है, होता क्या देखो मेंटल से करते, अब आप देखो कुछ नया नहीं था बट अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा हाँ ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाएगा, अगर हम नहीं इसको बताए होते और आपको कहीं क्वेश्चन आपको दिख जाता तो अरे तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, बस छोड़ देते, देख बिना पढ़े छोड़ देते, बस इसमें बता रहा और कोई मतलब नहीं है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ओनली थिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया अंडर रूट वाई बाय रो, तो परेशान बिल्कुल नहीं होने का, आज बहुत ही आसान चीज पढ़ रहे हैं, कल भी आसानी पढ़ते हैं हम लोग, हम लोग आसानी पढ़ते हैं, फिजिक्स ही कितना आसान है नहीं,
फिर से कुछ टप पढ़ाते हैं, टप पढ़ाते हैं अभिनव सर केमिस्ट्री में, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, ई रह रह रह, हम तो उतना कर ही नहीं पढ़ते यार, तुम लोग बहुत पढ़ते हो केमिस्ट्री, अच्छी बात है, तुमको इतना सर पढ़ाते हैं, हमको लगता है केमिस्ट्री पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं वो, हमको तो बहुत कम आता था। ओके लेकिन फिर भी आईआईटी एग्जाम में 1000 मार्क्स केमिस्ट्री में आया था, इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री स्कोरिंग है, उस पर ध्यान देना है। ओके सो ये हमने पढ़ लिया, अब एक्सपेरिमेंटल पार्ट कुछ पढ़ लिया, हम लोग पढ़े ना ऑर्गेनिक पार्ट, उसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट यार, एग्जाम में बहुत पूछता है, स्पेशली जेई मेन, मतलब जेई मेन में 33% जो होता है वो वेटेज रहता है ना एक्सपेरिमेंटल पार्ट का, सो एग्जाम में बहुत पूछता है, सॉरी 20% सॉरी सॉरी 20% क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल पार्ट से देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, और बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, रेजोनेंस कॉलम इंस्ट्रूमेंट। आपका हम इसी कारण सीट दिए हैं, आप ये सब चीज आप उसमें देख सकते हो, सारा कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, मैं आपको काम से बता रहा हूं, इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक ट्यूब टाइप है, पहले हमारे पूरा वाटर से फिल किए हुए थे। अच्छा रेजोनेंस क्या होता है, मैं नहीं बोला हूं कभी, रेजोनेंस क्या है, साउंड के केस में रेजोनेंस क्या बोलते हैं, रेजोनेंस में आ गया, आपको क्वेश्चन मिलेगा, रेजोनेंस रेजोनेंस मींस क्या होता है, सिंपल समझो कि कोई भी मटेरियल है उसका अपना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेशन क्या क्या होता है, क्या होता है बोलो, फोर्स्ड, डैम्प्ड एंड नेचुरल, नेचुरल मीन्स उसका जो अपना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उससे अपना ऑसिलेट कर रहा है और उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है, वो अपना उसी एक फिक्स एम्पलीट्यूड से लगा कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा तो डैम्प हो जाता है, बट एक आइडियल केस है कि नेचुरल ऑसिलेशन है, जैसे हम स्ट्रिंग को दोनों एंड पे फिक्स कर दिए, जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एन वी बाई टू एल, दिस ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये किसी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर सकता है, इसका इस हमने बस क्या किया, दोनों एंड फिक्स्ड है, मतलब ये दोनों नोड है, अब इस दोनों को नोड रख के ये बहुत सारे फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, ऑल आर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। आज एक बच्चा पूछा क्वेश्चन हमको कि सर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, तो फंडामेंटल अगर हमने बोल दिया स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग फंडामेंटल मोड, इसका मतलब कि हमने उसका एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया कि वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, सो इस केस में फ्रीक्वेंसी हो गया वी बाई टू एल, दैट इज फंडामेंटल, और मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इट मे हैव ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, इट मे हैव वी बाई टू एल, इट मे हैव टू वी बाई टू एल, इट मे हैव थ्री बाई टू एल, ये सारे इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी में ऑसिलेट कर सकता है, और तुमने आपको कल दिखा चुके हैं सारा से पॉसिबल है, सो दीज आर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेट कर आपको एनर्जी लॉस नहीं है, कोई असिस्टेंस इसको नहीं मिल रहा है ऑसिलेशन में, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन, कोई असिस्टेंस नहीं है, इसको अनडैम्प्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डैम्प्ड, डैम्प्ड मीन्स सिंपल कि एनर्जी, जैसे आप हमने इसको ऑसिलेट करके छोड़ दिया, अब अगर ये हमने इसको ऐसे देके छोड़ दिया और ये इतना जाता इतना आता एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होता, अगर हमने इसको यहाँ पे छोड़ा है इसको हर बार इतना जाके उतना आना चाहिए, बट देखो यहीं पे रुक जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको कुछ लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, ये बिल्कुल एयर असिस्टेंस है, बहुत कुछ है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़े यहाँ तक नहीं जा रहा है, बट अगर नेचुरल होता तो अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, अनडैम्प्ड होता, तो यहां से यहां तक जाते रहता, राइट। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, अगर आप जो देखते हो जैसे आप स्विंग पे बैठे हो तो एक बार झटका देके छोड़ दिए,
एक बार फर्स्ट टाइम बहुत दूर तक एम्पलीट्यूड होता है, बस धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटते जाता है। एनर्जी क्या होता है रिलेटिव, आपको हम पढ़ा चुके हैं एनर्जी पर परसेंट पे एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जैसे जैसे एनर्जी घटेगा एम्पलीट्यूड घटते घटते फाइनली रुक जाता है, नहीं सिग्नल देखते ना तो हो गया डैम्प्ड। ये फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये सब क्लास नाइन्थ में पढ़ना है। तो फोर्स्ड क्या है कि हम बाहर से कुछ एनर्जी दे रहे हैं उसको। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं स्विंग का, हमने स्विंग को एक बार झटका दिया, वो फिर से हमारे पास फिर से दे दिए, हम उसको बाहर से हमेशा एक एनर्जी दे रहे हैं, जबरदस्त इसको हम वाइब्रेट करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब फोर्स्ड में दो तरह का हो सकता है। जैसे स्विंग में एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक बार पहले यहां पे था स्विंग ऐसे था, मान लीजिए ऐसे ऐसे हो रहा है, हमने यहां पे झटका दिया वो यहां तक गया, और अगली बार जब वो यहां था उसमें झटका दे दिया। और दूसरा है कि जब वो फिर से यहां गया यहां आया यहां पे फिर से यहीं दिए, फिर यहां गया फिर यहां आया फिर यहीं दिए, मतलब हमारा जो देने का फ्रीक्वेंस, मतलब हमारा जो टाइम गैप पीरियड है जो हम एनर्जी दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, और जो स्विंग का है वो दोनों सेम है। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। और अब सिंपल होगा, ऐसे केस में उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। मैं सिर्फ अब समझो जो मेरे काम का चीज है, फोर्स्ड वाइब्रेशन में इफ इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। मैं इसको मिटा के लिख देता हूं। हमारे बस एक काम है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज सेम एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, then it is called condition of resonance, it is called in resonance। तो क्या बोलते हैं रेजोनेंस। तो आपको जब भी बोलेगा रेजोनेंस में तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, और जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड So, क्या बोले हम सो जिस समय जो नैंस होगा उस समय क्या होगा दोनों में, जो हमने एक्सटर्नल एजेंट दिया उसका फिर दोनों मैच कर गया, उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? सो अगर एम अगर मानते हैं साउंड कैसे अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, मीन्स वी हर्ड विल गेट लाउड साउंड। हाँ या नहीं, पक्का कोई डाउट है? रेजोनेंस क्या हुआ, जो हम एक्सटर्नल एजेंट उसको दे रहे हैं एनर्जी जो दे रहा है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो गया, दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जब फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाएगा, लाउड साउंड सुनेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का? इस पार आप देखो इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ एग्जाम्पल देखे कि क्या होगा कि, आप अच्छे वहां से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे डिटेल में दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग में हमने मान लीजिए डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, आगे गया कुछ एनर्जी लॉस हुआ, फिर जब वो आया उसको फिर हम उसको एनर्जी दे दिए, तो अल्टीमेटली हम जितना लॉस है उसको एनर्जी देते जा रहे हैं। और नेचुरल छोड़ो मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, हटाओ। काम कैसे हमारे लिए क्या है, मतलब काम का जैसे इतना है कि जब भी रेजोनेंस है मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट विल बी सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब भी आपको क्वेश्चन बोले दोनों रेजोनेंस है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, बस मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया। मैं ज्यादा इसमें जाना चाहता हूँ कहानी में,
आपको मिलेगा। जैसे कहा जाता है कि ब्रिज पे मिलिट्री परेड करने निकल जाता है, क्यों? जब ब्रिज ऑसिलेट कर रहा है, अगर परेड का फ्रीक्वेंसी जो है, परेड में क्या होता है, एक ही साथ सब मार रहा है ना पैर, सब उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पे इस पे वो जिस टाइम गैप में वो वहाँ पे पैर लगा मार रहा है, मार्च पास्ट जब कर रहा है, वो जो ब्रिज पे पैर एक ही बार साथ एक साथ दे रहा है, अगर ब्रिज का फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा, हो सकता है एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ब्रिज डैमेज हो सकता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो लेंस का क्या था, स्विंग वाला, जो मैंने बोला कि कोई स्विंग चल रहा है, अगर हमने फिक्स इंटरवल में उसको लगातार एनर्जी देते जाते हैं, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। तो रेजोनेंस क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, और जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तो उस केस में ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, एंड वी गेट लाउड साउंड इफ यू कंसीडर साउंड वेव। कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो यहाँ पे पहले हमारे रेजोनेंस कॉलम इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, इसमें आप लोग लैब में किए होंगे, हमने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उस ट्यूनिंग फॉर्क को हमने हैमर किया, प्रॉन्ग्स को ये ऑसिलेटर। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, जिस सोर्स ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, हमने बोला कि स्ट्रिंग में बहुत सा फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, गिटार में बहुत सा फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है NB/12L, बट ट्यूनिंग फॉर्क एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का होता है। आपको ट्यूनिंग फॉर्क पे लिखा होता है फ्रीक्वेंसी 200 आ जाए, 300 आ जाए, वो कैसे होता है आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, बट ट्यूनिंग फॉर्क इज सोर्स ऑफ साउंड हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी, उसका एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी एफ है। अब हमने इसको हैमर कर दिया, प्रॉन्ग्स को हैमर किया, साउंड जनरेट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया प्रॉन्ग्स को, और यहाँ पे हम वाटर लेवल मान लिए, यहां पे पहले नॉब लगा हुआ था, यहां एक नॉब है, इसको हमने ओपन कर दिया, ओपन किया तो वाटर लेवल नीचे जाएगा। जब वाटर लेवल नीचे जाएगा, मान लिए वाटर लेवल जो ही यहां आया, लेट्स से जो यहां आ गया, तो यहां पे क्या बन गया, एयर कॉलम बन गया, ये हो गया एयर कॉलम, और यहां हो गया वाटर, दिस विल एक्ट लाइक अ क्लोज्ड एंड, ये क्या हो गया क्लोज्ड, और ये क्या हो गया ओपन, सो इट विल एक्ट लाइक अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो उसमें साउंड जनरेट होगा, और जब जो इसमें साउंड जनरेट हो रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होगा, विल हर लाउड साउंड, विल हियर लाउड साउंड, यस और नो, ओके। सो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच, इसमें मीन फंडामेंटल मोड क्या हो सकता है, मान लिए कि हमको अभी हमने क्या किया, पर्सनल इन्वेस्टमेंट को हमने ट्यूनिंग फॉर्क को प्रॉन्स पर छोड़ दिया, धीरे धीरे वाटर लेवल डाउन कर रहे हैं, हमको साउंड आएगा, पर अचानक लाउड साउंड सुने थोड़ा, ऐसे लैब में बहुत लाउड ऐसा नहीं होता है, बहुत लाउड आता है, आपको ध्यान से सुनना पड़ता है, एक बार लाउड साउंड आया, इसका मतलब दोनों इस, मान लिए कि जब ये लेंथ L1 था, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, मानते हैं कि जब वो यहां तक आया, हमको लाउड साउंड मिला, जिसमें वाटर लेवल इतना था, हमको लाउड साउंड मिला, इसका मतलब अभी इसका इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, फ्रीक्वेंसी मैच किया, इसका मतलब ये ऐसा थ्योरम बनेगा, किसका वेरिएशन है, किसका वेरिएशन है, अरे डिस्प्लेसमेंट का था, क्योंकि क्लोज एंड नोड था, ऐसा बना जाते हैं तो ऐसा। तो अभी अगर लाउड साउंड सुने, इसका मतलब जो ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, है कि नहीं, ओके okay. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं फिर से भोंकता हूं। पहले हमने पूरे में पानी भर दिया था, यहां तक पानी भरा हुआ था और ये नॉब क्लोज था, हमने इसको डिस्टर्ब किया प्रॉन्ग्स को और इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन किया था, एयर कॉलम मिलने लगा, तो एयर कॉलम ऑसिलेट करते रहे, कैसे नहीं, अभी ऑसिलेट कर रहा था, बट अभी तक इसके पहले तक जब मान लीजिए वाटर यहां था, जिसमें वाटर लेवल यहां था, उस समय ऑसिलेट कर रहा होगा, बट उस समय इसका इसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया था, हमको लाउड साउंड नहीं मिला, अब यहां पे इसका और इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, जब इसका इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, इसका मतलब हमको लाउड साउंड मिला, और अगली कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। सो हमारे एल वन लेंथ पे हमको मिलता है लाउड साउंड, सो ये क्लोज एंड है, और पहली बार मिला है, तो पहली बार मिला है तो एल वन का मिनिमम लेंथ क्या होगा, लैम्डा बाय फोर, फर्स्ट टाइम मिला है ना,
अब कोई बोलेगा सर यही क्यों बनाए, ये क्यों नहीं बनाए, कोई बोलेगा सर ये क्यों नहीं बनाए, तो ऑब्वियस आप लोग पता नहीं पूछोगे कि नहीं पूछोगे, आपके मन में डाउट आया कि नहीं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो एंड, एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्लोज है, ये बोल रहे हैं ना। सो हम बोले ओपन एंड है प्रेशर का नोड और क्लोज एंड है प्रेशर का एंटी नोड। आप उसके बाद तो ठीक है, नोट कर लो तो फिर होना फिर बना फिर बना। अब एक ऑब्वियस डाउट आएगा इसमें कि सर आपने ये क्यों बनाया, हम बोल रहे हैं ये क्लोज है ये ओपन है, तो ये भी तो हो सकता है इसको नोड बनाते हैं। आप ये भी तो बना सकते हो फिगर, आप वो वही क्यों बना रहे हैं, नेक्स्ट वाले हम ये बनाते हैं। कोई हम ये बनाएंगे सर, आप ये क्यों बना रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर ये है कि बाबू हम बोले फर्स्ट टाइम लाउड साउंड, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी कुछ आया, अगर ये फ्रीक्वेंसी सेम है इसके, तो उसके पहले ये मोड भी आया होगा, फ्रीक्वेंसी सेम हुआ होगा, ये समझ में आ रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी याद है ठीक है, ये कुछ लेंथ है L2। तो अभी L2 क्या हो गया, 3λ/4 यही हुआ ना। सो लैम्डा क्या होगा, 4L2/3 फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V/λ V/4L2/3 सो 3/4L2 यही ना, कोई दिक्कत नहीं। सो अब मेरा है कि जब ये बना इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी आया होगा, अब सेम फ्रीक्वेंसी कंफ्यूज कर लो सच, इसको मिटा रहा हूं। अगर लाउड साउंड अभी सुने ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, हम बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम लाउड साउंड आया है, तो फर्स्ट टाइम लाउड साउंड कब होगा, इस केस में या इस केस में, फर्स्ट टाइम दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है, इसमें फ्रीक्वेंसी सेम है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्यों सेम है, दोनों में लैम्डा अलग अलग है क्योंकि लेंथ अलग अलग है, यहाँ पे L2 = 3λ/4 और यहाँ पे L1 = λ/4 ठीक है, यहां भी फ्रीक्वेंसी सेम आना है, यहां भी फ्रीक्वेंसी सेम आना है, कैसे, यहां लैम्डा होगा 4L1, यहां लैम्डा होगा 4L2/3 चूंकि L2 बड़ा हो गया है। सो पहले ये पॉसिबल है ना भाई, लैम्डा इक्वल टू होगा V/F ठीक है। अब लैम्डा ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, यहां पर लैम्डा आया 4L1 और यहां लैम्डा आया 4L2/3 समझो, लैम्डा फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, इस केस में फ्रीक्वेंसी है, यहां फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि दोनों केस में हमको लाउड साउंड मिल रहा है, हमको यहां भी मिला लाउड साउंड, इसमें मिलेगा लाउड साउंड। सो लाउड साउंड मिल रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब लैम्डा सेम होना चाहिए, लैम्डा ऑप्शन भी पाया, सो लैम्डा सेम होना चाहिए, अरे हाँ या नहीं, तो लैम्डा सेम है, तो लैम्डा यहां पर 4L2/3 यहां 4L1 कौन छोटा है, 1L2 में L1 छोटा है, मतलब इसके पहले पहले ये आएगा फिर ये आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, समझे नहीं समझे कि हम ये नहीं ये क्यों बना रहे हैं, तो इसके पहले ये आएगा, ये केस में फ्रीक्वेंसी हमको सेम मिल सकता है। तो अगर एक एंड क्लोज्ड है एक एंड ओपन है तो ये सारा पॉसिबल है, ये भी सेफ हो सकता है, कोई बोलेगा हम ये भी सेफ बना सकते हैं, फिर दोनों भी बना सकता है, फिगर बहुत गंदा बना मुझे मालूम है, ये भी कोई बना सकता है, मैं इसलिए बार बार बोला इसमें बच्चे अलग अलग क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं ये सब, और आगे भी बन सकता है, तो पहले कौन सा आएगा, ये आएगा फिर ये आएगा ये आएगा, तो हम फर्स्ट टाइम लाउड साउंड बोल रहे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम लाउड साउंड में कौन सा पॉसिबल, ये से पॉसिबल है पक्का, होपफुली आप कंफ्यूज नहीं किए होंगे, सो इसको मैं मिटा रहा हूं। सो जब हम पहली बार लाउड साउंड सुनेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, सो अगर इसका लेंथ L1 है तो L1 + n/λ/4 फिर वाटर लेवल डाउन किया डाउन किया डाउन, नेक्स्ट क्या आएगा, ये वाला आएगा,
उसने मान ली एयर कॉलम का लेंथ एल टू है, तो क्या होगा एल टू प्लस ई इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई फोर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, टू माइनस वन, फ्रॉम टू माइनस वन क्या मिलेगा एल टू माइनस एल वन इक्वल टू लैम्डा बाई टू, सो लैम्डा इक्वल टू टू इंटू एल टू माइनस एल वन, सो वी इक्वल टू एफ लैम्डा दैट इक्वल टू टू एफ इंटू एल टू माइनस एल वन। सो अच्छा सर बताने भूल गया इसका पर्पस क्या है, पर्पस टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यूज टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। सो अब यहां पे देखो हमने जब ये यूज किया ये दोनों हमको लैब में मिल गया, यहां पे स्केल लगा होता है हम स्केल से मेजर कर लेते हैं, यहां पे स्केल के लगा रहता है स्टैंड, सो एल वन एल टू स्केल से मेजर कर लिए, फ्रीक्वेंसी आपको ट्यूनिंग फॉर कमाल में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल जाएगा, हाँ निकाल सकते हैं ना, जिसे ऑल्सो यू अब बोलेगा कि हम एंड करेक्शन यहां से निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं एंड करेक्शन इसको यूज करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो वन इंटू थ्री माइनस टू करो तो क्या आएगा, ये तो कट जाएगा थ्री एल वन माइनस टू ई, अरे हाँ नहीं 3L1 plus 3 equal to 3 lambda by 4 या L2 plus E, इसमें इसको subtract कर रहे हैं तो क्या आएगा 3L1 चलो कर देते हैं plus 3E minus L2 minus E equal to 0, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आया 3L1 minus L2 equal to, इसको इधर ले जाओ, सो 2e इक्वल टू एल टू माइनस थ्री एल वन, सो e इक्वल टू एल टू माइनस थ्री एल वन बाई टू, दिस इज ऑल्सो यूज टू फाइंड एंड करेक्शन, आप उसका एंड करेक्शन निकाल सकते हो, कोई डाउट है, मैं फिर से मांगता हूँ सर मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूज ही कर दिया हूँ समझाने के चक्कर में, मैंने क्या बोला बाबू हमने एक रेजोनेंस मतलब एक ट्यूब लिया उसमें पहले पानी भरा हुआ था और ये नोट ये नॉब जो था क्लोज था पूरा पानी भरा हुआ था, मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को ऑसिलेट करवा दिया तो उससे कहा यहाँ पे साउंड जनरेट होगा तो ये एयर कॉलम ऑसिलेट कर जैसे हम पानी को डाउन लेवल वाटर लेवल डाउन कर रहे हैं, जब यहाँ एयर कॉलम बनेगा उसका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, अब जिस समय लाउड साउंड सुनेगा मतलब इसका इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, तो जब फर्स्ट टाइम लाउड साउंड सुनेगा उसमें कैसा सेट बनेगा, ये फर्स्ट यही पॉसिबल है ना कि इसको नोट और एंटी नोट मान के, जब ये पॉसिबल है तो ये लेंथ अगर एलवन उसमें मेजर कर लिया यहाँ स्केल से तो एलवन प्लस ये क्या होगा लैम्डा बाय फोर, फिर से वाटर लेवल डाउन करना शुरू किए तो फिर से एयर कॉलम का लेंथ बढ़ रहा है कुछ फ्रीक्वेंसी रहता होगा, बट नेक्स्ट टाइम हम लाउड साउंड सुनेंगे तो फिर से इसका एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, तो नेक्स्ट पॉसिबल शेप क्या होगा वहां पे ये होगा ना स्टैंडिंग वेव का शेप क्या होगा, ये कल हम पढ़ चुके हैं तो ये होगा लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय फोर थ्री लैम्डा बाय फोर, सो एल टू प्लस ई इससे कंफ्यूज मत करो, सो एल टू प्लस ई इक्वल टू क्या होगा थ्री लैम्डा बाय फोर, ई क्यों ले रहे हैं एंड का साथ हमको बता चुके हैं कि थोड़ा सा बाहर जाके नोट बनता है, फिर हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड, हम पहले यहां से निकाले लैम्डा इसको सब्ट्रैक्ट किए तो एल टू माइनस एल वन इक्वल टू लैम्डा बाय टू, सो लैम्डा इक्वल टू टू इंटू टू माइनस एल वन, सो वी इक्वल टू वी एफ लैम्डा, सो ये आपको याद रखना, और ऐसे इसको ड्राइव करना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप आसानी ड्राइव कर सकते हो, यही से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार पूछता है, तो v इक्वल टू टू इंटू एफ इंटू एल टू माइनस एल वन, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क को पता है, एफ नोन है ये दोनों लैब में निकला वेलोसिटी ऑफ साउंड इंडिया निकल गया, अगर एंड करेक्शन निकालना है तो हमने क्या किया इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया क्या होगा थ्री एल वन प्लस थ्री ई, अगर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा थ्री एल वन प्लस थ्री इक्वल टू थ्री लैम्डा बाय फोर, अब हमने इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा 3L1 plus 3 minus L2 minus E equal to 0, सो इधर आके हो गया 2E equal to L2 minus 3L1, सो E निकल गया L2 minus 3L1 by 2, सो ये था हमारा रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इसको मिटा रहा हूँ जल्दी जल्दी छाप लो फटाफट फटाफट छाप लो, ओके छाप लिया मिटाता हूँ।
मिटाता हूँ मिटाता हूँ। थोड़ा सा मतलब लगता है क्लास अच्छा नहीं रहा, हमको सेटिस्फाइड नहीं है, मैं इधर उधर डाइवर्ट हो गया आपको और कंफ्यूज कर देता हूँ। नहीं ये क्यों होता है ना, एक्चुअली जब आप सामने होते हैं ना डाउट पूछते हो तो हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी क्या होता है जब हम पढ़ा रहे हैं खुद से तो मेरे मन में अंदर बहुत सारा क्वेश्चन चलता है, बच्चा ये सोचता है सोचता है, उसको हम अपने आप को एक्सप्लेन करने के चक्कर में हम जो डाइवर्ट हो जा रहा है, ये एक प्रॉब्लम है वन वे कम्युनिकेशन में। टू वे में हमको पता है, मैंने आपको कुछ बता दिया जो हमको लगा पहले हम बता दिए, फिर आप जो पूछते हो हम उसको क्लियर करते हैं। और अभी क्या होता है, अब जैसे बीच में रुक जा रहे हैं पॉज ले रहे हैं कि हम भी खुद खुद सोच रहे होते हैं कि बच्चा क्या क्या डाउट पूछ सकता है, तो हम अपना डाउट क्लियर करते हैं। जब आपको हम बता रहे हैं बेसिकली हम जो भी आपको बताते हैं अपने मन से, तो हमारे मन में एज ए स्टूडेंट जो डाउट है उसको हम क्लियर करते हैं, और उस चक्कर में हो सकता है कि हम आपको कन्फ्यूज करते रहे। ठीक है, उसको मैं अभी रोकना चाहता हूँ, अब आगे नहीं करेंगे, वो गंदा चीज़ है, गंदी बात है। अगर आपको डाउट होगा तो अलग से पूछ सकते हो, बट इस चक्कर में आपको मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहूँगा। सो नेक्स्ट है क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्विंक्स QUINCK, क्विंक्स एक बार एक्सप्लेन देख लेना, ट्यूब एक्सपेरिमेंट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इसको बहुत सिंपल रखूंगा, टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास दो यू टाइप का ट्यूब, सारा कुछ मॉड्यूल में दिया हुआ है, जो आपको मैं भेजा हुआ सेट उसमें सारा दिया हुआ है, सारा सेट आप अच्छे से फिगर बना के, मेरा फिगर तो गंदा ही होगा, मानते हैं ट्यूब ए है। ठीक है, और इसमें स्लाइडिंग ट्यूब ये मान ली फिक्स है, ये ट्यूब फिक्स्ड है और इसके अंदर एक स्लाइडिंग ट्यूब भी है। अब मानते हैं यहाँ पे एक साउंड सोर्स है, लेट्स से जो यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क, यहाँ एक ट्यूनिंग फॉर्क, और यहाँ एक डिटेक्टर है, यहाँ पे क्या है डिटेक्टर। ठीक, ओके, अभी अब जब हम साउंड जनरेट करेंगे, एक साउंड का पाथ ये होगा और दूसरा पाथ ये होगा, लेट्स अज्यूम इस किसी एक पोजिशन यहाँ पे इसको मैक्सिमम मिलता है, हम इसको शिफ्ट, ये फिक्स था इसको हम शिफ्ट करते, स्लाइडिंग ट्यूब था इसको हम स्लाइड करते करते यहाँ पे लाए, तो यहाँ पे एक साउंड, देखो एक साउंड जैसा दूसरा साउंड जैसा, दो साउंड आ रहा है ना, दोनों में इंटरफेरेंस होगा। हम मान लेते हैं इस पोजिशन पे जिसमें ये ट्यूब यहाँ पे है, इस पोजिशन पे हमको मैक्सिमम मिला। सो अगर ये साउंड चला एल वन और ये साउंड चला एल टू, ये पूरा पाथ लेंथ है एल वन, अब समझो यहाँ से यहाँ तक ये साउंड आर, इसका पाथ लेंथ क्या है एल वन, इसका पाथ लेंथ क्या है एल टू, अगर मैक्सिमम मिला तो क्या हो गया एल वन माइनस, मानते हैं एल वन बड़ा है एल लैम्डा, अरे हाँ या नहीं, मान लेते हैं एल वन बड़ा है, ये हमने मान लिया एल वन माइनस एल टू इक्वल टू क्या होगा एल लैम्डा, अरे हाँ या नहीं, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, तो फिर से स्लाइड कर रहे हैं और स्लाइड करते करते एक नया पोजीशन आया, मान इसको हम एक्स स्लाइड कर दिए, इस ट्यूब को हमने एक्स स्लाइड कर दिया, अब ये ट्यूब इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसे होगा, हमने मान लिया इस ट्यूब को स्लाइड करके यहां ले आए, यहां से एक्स स्लाइड किए, ठीक है, आपको बुक में अच्छे से बना हुआ है इसलिए कंफ्यूज आपको, आई थिंक समझ ही जाओगे। ये न्यू पोजीशन है, अब वो यहां से यहां गया, पहले यहां था ये एक्स गया, यहां से हम मान लिए एक्स गया,
ठीक है। सो अब बताओ ये जो लेंथ L2 था यहां से यहां तक, पहले ये L2 था, अब ये कितना शिफ्ट किया, कंफ्यूज कर, मान लिए ये x शिफ्ट किया, ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना ये x। सो अब देखो यहां भी x बढ़ा, यहां भी x बढ़ा, ठीक, अच्छा फिगर नहीं बना है, बट इस साइड भी x बढ़ जाएगा, ये सीधा था, ये सीधा होना चाहिए था, अच्छा फिगर नहीं बन रहा है, यहां भी x बढ़ा, इधर भी x बढ़ा। सो अब जो पाथ लेंथ पहले L2 था, क्या हो गया L2 प्लस 2x, हुआ नहीं। सो अब जो होगा, मान ली x बढ़ने के बाद फिर से इसको मैक्सिमम मिला, इसका मतलब L1 माइनस L2 प्लस 2x इक्वल टू n लैम्डा या n माइनस 1 लैम्डा, n माइनस 1 ना, अरे जब ये बड़ा कर दिए तो अगर L2 माइनस L1 करते, अगर L2 बड़ा होता, समझो आपको अगर L2 बड़ा होता तो आपको बुक में ये मिलता है L2 माइनस L1 इक्वल टू n लैम्डा। अब ये और बढ़ा, ये यहां से ये भी x चला, ये भी x चला, कितना का नया पाथ लेंथ ऐड हुआ, ये L2 था, ये यहां पे x ऐड हुआ, L2 प्लस x, L2 प्लस x दोनों साइड ना, समझो कुछ मान लो ऐसा था, और अब ये यहां आ गया। सो यहां भी x बढ़ा और यहां भी x बढ़ा, बढ़ाया नहीं बढ़ा, टोटल पाथ लेंथ कितना बढ़ गया 2x। सो अब जो L2 था वो क्या हो गया L2 प्लस 2x माइनस L1, नेक्स्ट मैक्सिमम तो मिलेगा, उसमें हमने n माइनस 1 कर दिया, जब इसको बढ़ा लिया था, जब ये बढ़ा लिए मतलब ये क्वांटिटी बढ़ेगा, अगर ये सबट्रैक्शन में बढ़ता तो क्वांटिटी घट जाता। सो अभी सिंपल होता है, इसमें अगर 2x ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट आएगा ना, बढ़ेगा ना, n से n प्लस 1 होगा ना। n लैम्डा क्यों करें पता है ना, कि इस पोजिशन पे हमको पहले मैक्सिमम मिला था, अब हमने इसको x स्लाइड कर दिया, इसको जो हमने x स्लाइड किया, सो अब ये क्या हो गया, अरे भाई जब ये L2 था, ये यहां से यहां तक L2 प्लस x, ये भी L2 प्लस x, सॉरी यहां भी x बढ़ा, इधर भी x बढ़ा, टोटल कितना बढ़ गया 2x, यहां में दिखाया हुआ यहां भी x बढ़ा, यहां भी x बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा, फिगर गंदा से अपन पुश कर रहे होंगे, सो कितना टोटल बढ़ा 2x, और फिर से मैक्सिमम नेक्स्ट मिलेगा क्योंकि बड़ा हो गया है डिफरेंस, जब इसको बढ़ाएंगे डिफरेंस बड़ा होगा ना, सो हो गया n प्लस 1 लैम्डा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 माइनस 1 क्या होगा 2x इक्वल टू लैम्डा, हाँ नहीं, सो 2x इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा निकल गया, सो v इक्वल टू क्या होगा f लैम्डा, f हमको इसका फ्रीक्वेंसी पता है, ट्यूनिंग फॉर्म की फ्रीक्वेंसी f हमको पता होगा, सो v इक्वल टू f इनटू 2x। सो x हमने एक्सपेरिमेंट से मेजर कर लिया, क्लियर, सिंपल है, एक फिक्स ट्यूब है, उसका स्लाइडिंग ट्यूब है, पहले किसी पोजिशन पे ट्यूब जो था इस पे दो साउंड यहाँ पे जनरेटर पास आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दूसरा सेकेंड ट्यूब से आ रहा है, किसी पोजिशन पे जनरेटर ने मैक्सिमा डिटेक्ट किया और अब ट्यूब को स्लाइड करना शो किए, अगर हम ट्यूब को एक्स स्लाइड किया और नेक्स्ट मैक्सिमम मिला, नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट मैक्सिमम मिला आफ्टर स्लाइडिंग एक्स, जब ट्यूब को हम एक्स स्लाइड करेंगे तो इस आर्म का भी लेंथ एक्स बढ़ेगा, इस आर्म का भी लेंथ में पाथ लेंथ में एक्स बढ़ेगा, टोटल पाथ लेंथ कितना बढ़ेगा 2x से, सो नया पाथ लेंथ हो गया L2 प्लस 2x माइनस L1 इक्वल टू नेक्स्ट मैक्सिमम 2x इक्वल टू लैम्डा, सो v इक्वल टू f इनटू लैम्डा, पक्का, ओके, फटाफट छाप लो, फिगर बहुत गंदा है, आप अच्छा बनाना, आप लोग अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, मेरा ड्राइंग बहुत पुअर है मुझे मालूम है, सब मैं बुला रहा हूँ। मुझे इस वीक में कंप्लीट करना था तो कंप्लीट करना ही है, तो लास्ट टॉपिक है बीट फ्रीक्वेंसी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, देखिए बीट फ्रीक्वेंसी, बीट इसी क्वेश्चन आते हैं, देखो काम का चीज बताएंगे टू लाइन, कुछ है ही नहीं काम का, जिसमें कुछ भी नहीं है, पहले हम काम का चीज बताते हैं फिर ड्राइव भी कर देंगे, पहले हम देखते हैं काम का चीज, पहले बीट होता क्या है, तो अभी तक हम जितना भी देखे ना, हमने कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्स, नाउ इन केस ऑफ साउंड, ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं, फॉर साउंड वेव, इंटरफेरेंस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्स मीन्स सोर्सेज हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी,
डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, समझो। पहले मैं सिंपल केस लेता हूं कि हमारे पास वे आर टू सोर्सेज एस वन एंड एस टू, इसका फ्रीक्वेंसी एफ वन है, इसका फ्रीक्वेंसी एफ टू था, यहां पे ऑब्जर्वर है, इसके पास साउंड जा रहा है, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, तो बीट होता क्या है? अच्छा बताओ, इसी पॉइंट पे जब ये खड़ा है, अब यहां पे फेज डिफरेंस होगा टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट, अरे हो गया नहीं। चलो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ वेव, y1 इक्वल टू ए वन साइन 2 पाई एफ वन टी। हमने क्या इसको जीरो कर दिया, बस फॉर सिंपलिसिटी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे हमारे रिजल्ट पे। तो हमने इनिशियल फेज और kx को हम x इक्वल जीरो मान लिया, kx को हम कर दिए जीरो, परेशानी होने का। हमने यहां पे मान लिया कि इसके लिए x इक्वल टू जीरो है, लेट्स अज्यूम, तो kx हो गया जीरो। तो इक्वेशन से चुके हमको सिर्फ इससे मतलब था, हम x वाले पार्ट को भी इग्नोर कर रहे हैं, आपको दीजिएगा रिजल्ट में उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने क्या क्या समझ में आया ना पक्का? अरे होता ए वन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओमेगा में हो गया टू पाई एफ वन, तो क्या होता ए वन साइन के एक्स माइनस ओमेगा वन टी होता। हमने मान लिया के एक्स जीरो है, ठीक है, ओके। तो मैं माइनस का मैंने हटा दिया, प्लस वाला मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यहाँ एक माइनस लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। और यहाँ आया ये इसका इक्वेशन y2 इक्वल टू ऐसे में ऐसा कुछ होता है ना, वैसा हम कर रहे हैं, ये a2 sin 2 pi f to t, a2 sin omega 2 t और ये है a1 sin omega 1 t, ठीक है। अब बताओ किसी भी टाइम पे डेल्टा फाई क्या होगा जिसके अंदर एंगल होता है, ये ना डेल्टा, ये क्या होगा इसके अंदर जो एंगल्स का डिफरेंस, सो क्या हो गया 2 पाई एफ टू टी माइनस 2 पाई एफ वन टी का मॉड। मैं बार बोल रहा हूँ मॉड है, बिकॉज हमें बताया था फेज डिफरेंस नेगेटिव नहीं लेना है, मॉड लेते हैं डिफरेंस, तो क्या हो गया 2 पाई मॉड ऑफ एफ टू माइनस एफ वन टी। सो यू कैन सी फेज डिफरेंस इज टाइम डिपेंडेंट, आपको बताया। तो अगर आप ये इक्वेशन लेते तो क्या होता है यार, कुछ लोग वहीं पर फंसे हुए हैं कि एक्स कहाँ छोड़ दिए। चल मान लिया तुम्हारा इक्वेशन ये था ओमेगा वन टी प्लस डेल्टा, वाई टू क्या है ए टू साइन के टू, क्यों क्योंकि ओमेगा डिफरेंट है, मीडियम सेम, वेलोसिटी सेम है, तो वी इक्वल टू के टू ओमेगा वाई, वी होता है ओमेगा अलग है, इसलिए क्या हमने अलग लिया है, वी सेम लिया है, मीडियम सेम ने लिया है, तो के इक्वल टू ओमेगा वाई वी, अगर ओमेगा अलग मतलब के अलग बिकॉज वी सेम। अब बताओ डेल्टा फाइव क्या होता, के टू चलो मानते हैं इसका डिस्टेंस कुछ x2, इसका x1 ये भी मान लेते हैं, जो आप बोलो k2 x2 इस डिस्टेंस के लिए माइनस ओमेगा 2t प्लस डेल्टा 2 माइनस k1 x1 माइनस ओमेगा 1t माइनस डेल्टा 2 सॉरी प्लस है ना, अरे इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होता k2 x2, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, प्लस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी ये सब का मॉड, प्लस मैं पूरे का मॉड ले रहा हूँ डेल्टा फाइव को निगेटिव से रोकने के लिए। अब बताओ इसको प्लस इसको जीरो किसी वैल्यू ले सकते हैं ना, ले सकते हैं ना, क्यों आपको अगर दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला रिजल्ट में नहीं है, हमने बस इसको प्लस इसको जीरो पकड़ लिया इसलिए हम डेल्टा फाइव ये लिख रहे हैं इसका मॉड, समझे या नहीं समझे। अरे कोई फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू ये कभी जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, हम वो कंडीशन भी पकड़े हुए हैं। फॉर सिंपलिसिटी ऑफ आवर कैलकुलेशन मैंने ऐसा केस लिया इसमें ये प्लस ये क्या हो गया है जीरो पक्का। जब इतना कैरी करते सत्तर को उसने बहुत परेशानी होगी और आपको हम दिखा देंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको हम किसी एक टाइम पे काम कर रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको हम दिखा देंगे। तो इसीलिए हम इसको ले रहे हैं, इसको हम ऐसा कंडीशन है जिसमें ये प्लस ये जीरो हो गया है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये मेरे दिमाग का क्वेश्चन था, क्यों ले रहे हैं, ओके एनीवे। सो मेरा डेल्टा फाइव ये हो गया। सो नाउ यू कैन सी फेज डिफरेंस इज टाइम डिपेंडेंट, टी पे डिपेंड कर रहा है। सो अब मैक्सिमा कब होगा, मैक्सिमम
ऊपर वाला मिटाते हैं, इसको छापो, इसको छापो 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 पटापट, इधर दिखता है, दिखते हैं इधर फॉर मैक्सिमा, डेल फाइ क्या होता है टू एन फाइव। तो हम केस वन लेते हैं, इफ एन इज जीरो मीन्स टू पाई मॉड एफ टू माइनस एफ वन इज इक्वल टू जीरो, सो टी वन इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट टाइम मैक्सिमम क्या मिला, टी इक्वल टू जीरो पे, कोई डाउट नहीं, ओके। नेक्स्ट इसको मिटा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम कब मिलेगा फॉर एन इक्वल टू वन, टू पाई मॉड एफ टू माइनस एफ वन टी टू इक्वल टू टू पाई, टी टू क्या मिला वन बाय मॉड एफ टू माइनस एफ वन। फिर नेक्स्ट मैक्सिमम इसके बाद कब मिलेगा, एन इक्वल टू टू, सो टू पाई मॉड एफ टू माइनस एफ वन टी थ्री इक्वल टू फोर पाई, सो व्हाट इज टी थ्री, टू बाय मॉड एफ टू माइनस एफ वन। सो व्हाट इज गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमम, व्हाट इज गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमम, गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमम, क्या होगा बोलो, व्हाट इज गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमम। देखो ये जीरो है, वन बाय टू माइनस एफ वन, गैप वन बाय टू माइनस एफ फोर मॉड लगा हुआ है, फिर यहां से कितना गैप है वन बाय मॉड एफ टू माइनस एफ वन, दैट इज वन बाय मॉड एफ टू माइनस एफ वन। थर्ड इज नंबर ऑफ मैक्सिमाज हर्ड इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ मैक्सिमाज हर्ड इन वन सेकेंड कितना होगा बोलो, आप लोग लिख लिए होंगे, कितना होगा वन बाय गैप, दैट इज मॉड एफ टू माइनस एफ वन, दिस इज कॉल्ड बिट फ्रीक्वेंसी, इसी बोलते हैं बिट फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझो, समझाना उसको, फील करो क्या होता है। मान लिया मैं यहां खड़ा हूं और दो अलग अलग सोर्स से साउंड आ रहा है, मैं यहीं पे खड़ा हूं, मैं चल नहीं रहा हूं, सो हमारे यहां जो साउंड आ रहा है उसका फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट है। मान लिया अभी फेज डिफरेंस जीरो है, मान लिया तब मैक्सिमम सुनेंगे दोनों का कंस्ट्रेंट इंटरफेरेंस होगा, फिर नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम कब मिलेगा जब उसका फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा, वो मिला 1 पाई मॉड एफ टू माइनस एफ वन पे, हम यही खड़े हैं, फिर हमको नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम कब मिलेगा, ये मतलब हमको बार बार कुछ इंटरवल के बाद मैक्सिमम मिल रहा है, हम यही खड़े हैं, सेम दो सोर्स से हमको साउंड मिल रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उस दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होता, अब समझो अगर फ्रीक्वेंसी सेम होता तो फेज डिफरेंस टाइम इंडिपेंडेंट था, हम लोग पढ़ चुके हैं कोहेरेंट सोर्स में, तो अगर हमको अभी मैक्सिमा मिला तो यहां पर अगर हम खड़े हैं तो लगातार मैक्सिमा ही मिलते रहेगा, ऐसा नहीं कि अभी मैक्सिमा कुछ देर बाद फिर मिनिमा, ऐसा यहां होने वाला नहीं होता, कब जब फ्रीक्वेंसी सेम होता। ये समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग इतना क्या भाई वाईडीएससी में कोहेरेंट सोर्स में हमको फिंज मिलता था, मतलब जहां पे एक बार एक हाइट पे मिल गया लैम्डा डिवाइड पे मैक्सिमा, तो हमेशा मैक्सिमा ही मिल रहा था, क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट नहीं था। सो अगर इसका फ्रीक्वेंसी सेम होता, अगर हम यहां खड़े होते, अगर मान लिया अब फेज डिफरेंस हो गया पाई बाय थ्री, तो किसी भी टाइम पे फेज डिफरेंस क्या होता, पाई बाय थ्री होता, तो चेंज करता क्या नहीं, टाइम वाला पार्ट तो कट गया था क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम था, बट अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो फेज डिफरेंस आ गया टाइम डिपेंडेंट। टी इक्वल जीरो पे फेज डिफरेंस जीरो है, टी इक्वल टू से फेज डिफरेंस टू पाई हो गया, इस पे फोर पाई हो गया, अगर टी इक्वल टू हम कुछ बीच का लेते हैं यहां पे थ्री, अगर ये भी हो सकता है फेज डिफरेंस, कभी ये भी तो हो सकता है, और गिवन टे फेज डिफरेंस थ्री पाई हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ये कब होगा, ये कब होगा, टी डैश इक्वल टू वन बाय टू एफ टू माइनस, इसका मतलब हमको इस टाइम पे वहां पे क्या मिलेगा मिनिमा, हम वहीं खड़े हैं, हमको टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमा मिला, इस टाइम पे मिला मिनिमा, हाँ या नहीं, जब ये इसके बीच का फेज डिफरेंस, मतलब कैसे लिखने लगा हूं, जब ये पाई हो जाएगा उस टाइम हमको मिनिमा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा, पाई पाई कैंसल वन बाय टू मॉड एफ टू माइनस, इसका मतलब इस टाइम पे हमको मिनिमा मिलेगा, तो मैं यही खड़ा हूं, हमको टी इक्वल जीरो पे मैक्सिमम मिला, टी इक्वल टू दिस टी डैश पे हमको मिनिमा मिला, फिर टी इक्वल टू टी वन पे
T2 पे फिर मैक्सिमम मिला, T2 पे फिर मैक्सिमम मिला, मीन्स हमको कुछ इंटरवल के बाद मैक्सिमम मिलते जा रहा है। तो बीट फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ मैक्सिमा हर्ड इन वन सेकंड, ये डिफिनेशन है। इफ साउंड्स कमिंग फ्रॉम टू सोर्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कमिंग टू एन ऑब्जर्वर, देन मैक्सिमा ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर रिसीव बाय ऑब्जर्वर इन वन सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? सो बीट कब बात करते हैं? व्हेन देयर इज इंटरफेरेंस बिटवीन टू सोर्सेज हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे कोहेरेंट पढ़े थे, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम था। हम बीट में बात कर रहे हैं टू सोर्सेज हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है मीन्स फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट है, मतलब एक ही जगह पे ऑब्जर्वर को अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज डिफरेंस मिलेगा। हो सकता है फेज डिफरेंस जीरो मिले, कुछ देर बाद फेज डिफरेंस टू पाई मिले, बीच में कभी पाई मिले, यहीं खड़ा है। जब फेज डिफरेंस जीरो, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई मिलेगा, उसको मैक्सिमम मिलेगा। तो कुछ मतलब उसको लगातार कुछ टाइम के बाद मैक्सिमम मिल रहा है, दैट इज नम। तो वही जो गैप है बिटवीन टू मैक्सिमा, वन को वन बाई मॉड एफ टू माइनस एफ वन, सो नंबर ऑफ मैक्सिमा हर्ड इन वन सेकेंड विल बी मॉड ऑफ एफ टू माइनस एफ वन कॉल बिट फ्रीक्वेंसी। तो आपके लिए काम का चीज यही है कि आप ये रिजल्ट फॉर्मूला याद रखो और बिट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ एफ टू माइनस एफ वन। कोई समस्या नहीं ना? पक्का? तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, क्वेश्चन अच्छी बताओ अब बीट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कुछ भी, इनफाइनाइट। हमारा ईयर जो है हेल्दी ईयर टू डिस्टिंग्विश साउंड को, टू साउंड को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकता है मिनिमम कितना इंटरवल पे? 1/10 सेकेंड, इसी के आसपास कुछ होता है ना। अगर आपका गैप 1/10 से कम होगा आपको लगेगा कंटिन्यूअस साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूं रियल में तो हम अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है मैं लगातार बोल रहा हूँ, सिंपल टिक 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 टिक, आप लग रहा है हम अलग अलग बोल रहे हैं टिक 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 टिक, रियल में आपको हम लगातार टे बोल रहे हैं, बट भाई उसमें तो साउंड निकल रहा हो अलग 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 अलग, बट उसका गैप इतना कम है कि आपको लगता है कंटिन्यूअस साउंड हो रहा है, नहीं। सो बेसिकली अगर दो साउंड के बीच का गैप 1/10 सेकेंड से कम होगा तो हमको लगता है कंटिन्यूअस साउंड है, फिर क्या हम मतलब मैक्सिमम हम ऑब्जर्व कर पाएंगे क्या? तो गैप होना चाहिए मोर देन 1/10 सेकेंड, सो मतलब 1/10, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे गैप हो गया 1, बीट में से मान लीजिए 11 है, तो गैप क्या हो गया 1/11 सेकेंड, हम ऑब्जर्व कर पाएंगे क्या? नहीं। तो अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी मोर देन 10 अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हमको लगा कंटिन्यूअस साउंड आ रहा है, हाँ या नहीं, क्योंकि आपको दो मैक्सिमम के बीच गैप जो है वो घट गया, दो मैक्सिमम के बीच गैप का आपका अगर गैप 1/10 सेकेंड से कम हो गया आपको लगा कंटिन्यूअस मैक्सिमम आ रहा है हमारे पास, हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे क्या? नहीं। चलो आपको जितना भी क्वेश्चन रहता है क्योंकि पूछ जाता है विल वी ऑब्जर्व बीट, अगर आपको दिख रहा है बीट का वैल्यू अगर आपको 10 ज्यादा है तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। पक्का? क्यों समझ में आ गया? अगर बीट आपका आ रहा है 15, इसका मतलब दो साउंड मैक्सिमम बीच गैप क्या हो गया 1/15, जो कि हमारा हेल्दी ईयर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके। सो सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क, दोनों ऑसिलेट कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी है कुछ 400 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी है 404 हर्ट्ज। टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी, ठीक है, उसको हमने एक साथ दोनों को डिस्टर्ब किया, हर बिट फ्रीक्वेंसी, बिट क्या होगा बोलो? सिंपल डिफरेंस मॉड मीन्स 400 हर्ट्ज। वाह कितना आसान है, कहा से ही आता। चलो अब थोड़ा चेंज करते हैं, वी हैव टू ट्यूनिंग फॉक्स, इसका फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, इसका फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं है, बट हम बोला दोनों का बीट जो है ना वो 600 हर्ट्ज है। क्वेश्चन है फाइंड एफ, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी, ये क्वेश्चन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी। बी का ट्यूनिंग फॉर्क क्या, बी सॉरी ट्यूनिंग फॉर्क बी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 206 क्यों? हमने बोला मॉड एफ वन माइनस एफ, बीट क्या होता है? डिफरेंस।
तो कोई बोलेगा हम ये लिखेंगे डिफरेंस, तो हमको पता नहीं कौन बड़ा है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दोनों क्वेश्चन पॉसिबल है ना। अरे हाँ नहीं, सो इससे आएगा एफ 194 और इससे एफ क्या आएगा 206, कौन सा आंसर होगा? दोनों आंसर होगा। जब तक कुछ और नहीं दिया है तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल आंसर है, क्या है वो पता नहीं, इसलिए हमको कंडीशन कुछ देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? हमने बोला है बीट इक्वल टू मॉड एफ माइनस एफ टू, मतलब हमको पता नहीं कौन बड़ा है, पुस्तक ये बड़ा रहा होगा तो अगर एफ माइनस 200 इक्वल टू 6, अगर ये बड़ा है तो 200 माइनस एफ इक्वल टू 6, क्या हमको पता नहीं है, हम दोनों आंसर बोलेंगे पक्का। अब अगर हमको आंसर फिक्स करना है एक और कंडीशन देना पड़ता है, उसके लिए आपको दो चीज पहले रिजल्ट याद रखना, क्योंकि हमको ट्यूनिंग फॉर्क का मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ना नहीं है, हमको क्या रखना है, अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क पे वैक्स लोडिंग करते हैं, ड्यू टू लोडिंग ऑफ वैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेज ड्यू टू लोडिंग ऑफ वैक्स ऑन प्रॉन्ग्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीज, रिजल्ट याद रखना है। तो सर इसको फाइल करते हैं, छील रहे हैं इसे, फाइलिंग स्पेलिंग गलत है ना शायद, ये होगा भाई देख लेना, हम इसमें बहुत कमजोर हैं। अरे फाइलिंग जो छीलना होता है ना, उसको पतला कर रहे हैं ऐसे रब करके, नहीं करते हैं फाइल करते हैं ना। सो ड्यू टू फाइलिंग, अब पता नहीं एल ई होता है ना, देख लेना जो भी होता है। सो ड्यू टू, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, क्यों, पढ़ना नियम है। मैंने क्या बोला, अगर उस पर हमने वैक्स लोड किया फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है, उसको छील रहे हैं फाइलिंग कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, इसको मिटा ही दें क्या, पता नहीं सही गलत नहीं। एनीवे सो आप समझ गए ना कि अगर हमने ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉम्प्ट्स पे वैक्स लोड किया मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, उसको हम फाइल किए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और हम इसको यूज करते, क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन ये है, वी हैव टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 400 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज अननोन एंड बी फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, पहले दिया हुआ है। नाउ इफ वैक्स इज लोडेड on prongs of tuning fork A, on prongs of tuning fork A, bead becomes 6 hertz, then find frequency of tuning fork B, then find frequency of tuning fork B, फटाफट, simple है, फटाफट जल्दी करो, सिंपल लो, बीट 5 है, हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शन है यहाँ पे, 400 माइनस एफ इक्वल टू 5 और यू कैन यूज एफ माइनस 400 इक्वल टू 5, अब कौन सा लेंगे वो पता नहीं है, अब इसको सेकेंड को देखना है। अगर हम वैक्स लोड किए इसका फ्रीक्वेंसी ए का बढ़ेगा घटेगा, घटेगा मतलब 400 से कुछ कम होगा। अब बताओ किस इक्वेशन में 1 या 2 में कि 400 के डिक्रीज होने से ये 5-6 होगा, अगर इसको घटाएंगे यहाँ पे तो ये चीज क्या हो जाएगा, 5 से छोटा हो जाएगा ना। अरे हाँ या नहीं, 400 माइनस एफ 5, अगर इसको और डिक्रीज कर दिए इसी को, ये डिफरेंस और घट जाएगा ना, मतलब कौन सा, अगर यहाँ पे इसको डिक्रीज किए तो डिफरेंस बढ़ सकता है, तो मतलब कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ये एफ इक्वल टू क्या होगा 405 हर्ट्ज। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं, गलती करते हैं, कहते समझ में नहीं आया, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दिया हुआ है 400 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी पूछा है और बिट दिया हुआ है 5, बिट मीन्स इसका और इसका डिफरेंस दिया है, इसका इसका डिफरेंस लिया है। अब डिफरेंस भी होता है 400 माइनस एफ इक्वल टू 5 और एफ माइनस 405, दोनों पॉसिबल है, हमने दोनों लिख दिया। अब बोल रहा है इसका फ्रीक्वेंसी घटने से बिट 6 होता है, बताओ किस इक्वेशन में इसका ए का फ्रीक्वेंसी घटने से डिफरेंस 6 होगा, अगर इसमें इसको घटा देंगे 400 को, ये तो डिफरेंस घट जाएगा ना भाई, यहां पे जब ये कुछ घटेगा तो ये 6 हो सकता है क्योंकि ये इधर माइनस में है, समझ में आ रहा है ना, आंसर क्या होगा 405 पक्का,
देखो 0.5 है, 400 है, पहले था ये 5, इसको वैक्स लोड के बिट हो गया 6, उसका फ्रीक्वेंसी घटा हो गया 399। अरे हाँ नहीं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप दे रहा हूँ। वैसे इसका क्वेश्चन बहुत सारा मॉड्यूल में है, इससे नाम क्वेश्चन भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट फिर से करते हैं, देयर टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी, इस फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, बीट इज 7 हर्ट्ज। अब हमने इस पे वैक्स लोडिंग किया, बी को बी पे हमने एक्स वैक्स लोडिंग किया एंड नाउ बीट बिकम्स 5 हर्ट्ज, ड्यू टू वैक्स लोडिंग बीट बिकम्स 5 hertz. Then find frequency of B before loading wax. Question clear hai? We have two tuning forks A and B. Frequency of A is 200 hertz and frequency of B is unknown. Now wax is loaded on prongs of tuning fork B, and due to loading of wax, B frequency becomes 5 hertz. Then find frequency of tuning fork B before loading wax. Wax load करने से पहले B का frequency क्या था? हो गया? Okay, चलो मैं करता हूँ। Bit कितना है? 7. पहले कितना था bit? 7. So you can write two equations. 200 minus F equal to 7. F minus 207. दोनों possible है. पहले दोनों possible है. हम मानते हैं दोनों possible है. Okay. अब बताओ wax load से का frequency घट जाएगा B का? तो F घटेगा. अब बीट हो गया 5, मतलब किसमें F को डिक्रीज करने से 5 हो सकता है? अगर इसमें हम F को डिक्रीज किए ये तो बढ़ जाएगा। अरे हाँ या नहीं, फिर से वो देख दो, बीट 7 है तो दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 7 है, और 200 माइनस F इक्वल टू 7 और F माइनस 207 दोनों पॉसिबल है। अब बताओ किसमें F को डिक्रीज करने से डिफरेंस 7 से 5 होगा? अगर इसमें डिक्रीज किए ये तो बढ़ जाएगा। हाँ या नहीं, इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो ये घटेगा, तो ये डिफरेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिट 5, अगर यहाँ पे F घटा दें तो ये डिफरेंस 5 हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चन यूज करना है, पहले F कितना था? 207। हमने पूछा है बिफोर लोडिंग वैक्स, अगर आफ्टर लोडिंग वैक्स होता तो क्या हो जाता है? 5, तो F क्या हो गया? 205। ये तो चेंज करेगा नहीं, तो क्या हो गया? 205। समझ में आया कि नहीं? हमने पूछा बिफोर लोडिंग वैक्स, आंसर क्या होगा? 207। पक्का ऐसा क्वेश्चन बहुत है मॉडल में, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन करवा दिया और उसमें फाइल कर देगा, फिर कुछ डॉपलर को ऐड कर देता है, सब आपको हम दे दिए हैं असाइनमेंट में। अब इसमें इक्वेशन भी निकाले देते हैं, हमने क्या लिया था बुक में मिलता है, इसे काम का चीज है, क्वेश्चन बन जाएगा आपको हम बताया अभी तक, उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको जो हम बताए। एक होमवर्क देते हैं, थ्री ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, 401 हर्ट्ज एंड 402 हर्ट्ज, फाइंड द बिट फ्रीक्वेंसी। ये आपको कमेंट करना यूट्यूब में, मतलब आपने लेक्चर देख लिया। वी हैव थ्री डिफरेंट, वी हैव ट्यूनिंग फॉक्स हैविंग थ्री डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 400 हर्ट्ज, 401 हर्ट्ज एंड 402 हर्ट्ज। इफ दे आर साउंडेड टुगेदर फाइंड बिट फ्रीक्वेंसी। We have three tuning forks having frequencies 400 Hz, 401 Hz and 402 Hz. If they are sounded together, then find bit frequency. इसका आंसर आपको कमेंट करना है वीडियो देखने के बाद। जिनसे नहीं बनेगा वो भी कहोगे नॉट सॉल्व, वो भी लिखे आते हैं मैंने वीडियो, आप देखे हो नॉट एबल टू सॉल्व लिखे होगे। अच्छा सर, शर्म आ रही है लिखने में, नहीं पब्लिकली कैसे लिखेगा सर, नहीं होगा तो बना लेना भाई। अच्छा उन्हें लिखना है, ठीक है, इसका सोचा उन्हें भेजना, ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो अब तक आपको जो पढ़ा है ना उससे एक क्वेश्चन बनेगा आपको, हम जो बेसिक था क्वेश्चन बनेगा हम बता चुके हैं। बीट फ्रीक्वेंसी होता क्या है? नंबर ऑफ मैक्सिमम हर्ड इन वन सेकेंड कब होता है? व्हेन टू सोर्सेज हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली। तो एक ही ऑब्जर्वर को अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसको फेज डिफरेंस मिलेगा, तो एक ही पॉइंट पे कभी मिलेगा मैक्सिमम कभी मिनिमम, तो दो मैक्सिमम के बीच का गैप आया 1 बाय मॉड एफ2 माइनस एफ1 एंड नंबर ऑफ मैक्सिमम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड बिट फ्रीक्वेंसी। फिर उस पे क्वेश्चन कर लिया, सिंपल है, कुछ है नहीं,
अगर इक्वेशन रहता है बुक्स में, तो हमने लिया वाई वन इक्वल टू ए वन साइन टू पाई एफ वन टी एंड वाई टू इक्वल टू ए टू साइन टू पाई एफ टू टी। सो वाई क्या होगा जब दोनों को साथ लाएंगे तो वाई वन प्लस वाई टू। हम सिंथेटिक के मान दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम मानते हैं तक ऐसा नहीं सॉल्व कर पाए। बुक में एक ऐसे बोले ना बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हम एक सिंपल केस लेंगे वी हैव टू सोर्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड तभी हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो ए साइन टू पाई एफ वन टी प्लस ए साइन टू पाई एफ टू टी, सिर्फ टाइम पास करने को तो ज़्यादा कुछ काम का चीज़ नहीं है। ये कॉमन ले लिए क्या होगा साइन टू पाई एफ वन टी प्लस साइन टू पाई एफ टू टी। अभी क्या हो गया साइन सी प्लस डी साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू पाई एफ वन टी प्लस टू पाई एफ टू टी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टी टू पाई एफ वन माइनस एफ टू टी बाई टू। यही होता है ना पक्का, क्या हो गया टू ए साइन टू पाए क्या हो गया यहां से पाए चलो टू पाए बाई टू, चलो पाए लिख देते हैं पाए। ये क्या हो गया एफ वन प्लस एफ टू, कोई दिक्कत 2 पाई को मान लिए एफ वन प्लस एफ टू बाई टू टी इंटू कॉस टू पाई बाई टू पाई एफ वन माइनस एफ टू बाई टू टी। छाप लो छाप लो, बोर्ड भर गया कुछ नहीं, सिंप कुछ मैथ्स किए हैं टाइम पास कर रहे हैं, मजा आ रहा है हमको, हमने कुछ मैथ्स किया है बस, आपको सब सीट में किया हुआ है, कुछ है नहीं इसमें। ये छापो मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ, समझा देता हूँ उसको। मिटाओ मिटाओ यहाँ से लाते हैं। देखो ये क्या हो गया टू ए कॉस टू पाई एफ वन माइनस एफ टू बाई टू टी इंटू साइन टू पाई एफ वन प्लस एफ टू बाई टू टी। तो हम क्या बोलते हैं कि देखो टू पाई एफ होता है ना ओमेगा, एक का कोसाइन ओमेगा टी। सो ये हो गया फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशन का है, जस्ट लाइक स्टैंडिंग में पूछा है ये टाइम में दो आया क्या था जो हम कल पता क्या था वो कुछ टू ए साइन क्या कॉस ओमेगा टी था, टू ए कॉस समथिंग टी साइन टी, दो है ये दो वेव का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारा हो गया, अगर हम उसको कंपेयर करें एसएचएम से तो ये हमारा हुआ है एम्पलीट्यूड, टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड है। ये क्या है टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। कोई बोलेगा टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड आपने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, तो भाई ये तो अगर आप बोलोगे उसका पूरा वेव कॉस का फ्रीक्वेंसी ये इतना छोटा हो गया नहीं, ये थोड़ा लग रहा है कि एवरेज हो गया एफ वन प्लस एफ टू बाय टू हो गया, कि हम लेंगे पूरे वेव का फ्रीक्वेंसी ये इससे वो ऑसिलेट कर रहा है वेव और एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी क्या है f1 माइनस f2 बाय 2। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन। हम दिखाते हैं क्यों लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने एम्पलीट्यूड वेरिएशन का क्यों लिया और हम प्रूफ कर रहे हैं f1 माइनस f2 मॉड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है इसके लिए मॉड होना चाहिए। अब बताओ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इंटेंसिटी प्लस एम्पलीट्यूड प्लस ए हो या माइनस ए हो इंटेंसिटी क्या होगा सेम, अरे हाँ नहीं। सो अगर हम मानते हैं कि एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड अगर प्लस ए हो या माइनस हो इंटेंसिटी सेम होगा। सो एम्पलीट्यूड फिर से कब रिपीट करता है टू बाई एफ वन माइनस एफ टू टी में, छोड़ो कंफ्यूज करोगे आप,
आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर साइन एक्स का फ्रीक्वेंसी है, इसका टाइम पीरियड है 2π, इसका टाइम पीरियड क्या है 2π, तो साइन स्क्वायर एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है पाई, तो टाइम पीरियड क्या हो गया हाफ, टाइम पीरियड क्या हो गया हाफ, यहां से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा डबल। अरे हाँ या नहीं, साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या है, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना, जो रिपीट करता है साइन एक्स का क्या है टाइम पीरियड, साइन एक्स का टाइम पीरियड है 2π, एंड व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पाई। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2f, मतलब स्क्वायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। तो सिमिलरली अगर एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी फॉर एम्पलीट्यूड वेरिएशन फ्रीक्वेंसी है मोर ऑफ f4 माइनस f2 बाय 2, सो व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी फॉर इंटेंसिटी वेरिएशन, क्या होगा बोलो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसका डबल स्क्वायर करने से इंटेंसिटी ऑप्शन पर एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, तो अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर करने से फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है, मतलब होगा मोर f1 माइनस f2, यही तो आज पढ़े हैं। अरे हाँ या नहीं, कि हम क्यों पढ़ाए, एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चन ये दे दिया, क्वेश्चन ही दे दिया, तो समझ में आया कि इसको हमने क्यों लिया एम्पलीट्यूड वेरिएशन का, इसको ले लिया मेन फ्रीक्वेंसी पक्का ना, क्योंकि हमको पता है कि बेटे यहाँ से आया था, हमने चेक किया था कि वो आया था मॉड f1 माइनस f2, इंटेंसिटी वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या आया था मॉड f1 माइनस f2। अब मान लीजिए कभी क्वेश्चन देता है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया स्टैंडिंग वेव का 8cos 6πt साइन 20π t, अब बोलेगा फाइंड बिट फ्रीक्वेंसी। सो अब यहाँ पे 2π, यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां से बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन क्या है बोलो, अरे 2π f होगा ना, ओमेगा है, मतलब क्या है 2π f, अरे हाँ या नहीं, तो ये जो है 6π, ये 2π f है कि नहीं, तो ये f कितना हो जाएगा 3। अरे यार 2π f = 6π, पाई पाई कैंसल, f कितना आया 3। कंपेयर करो इससे ना, यहाँ cos ओमेगा t आता, तो हमने 2π f के और वेरिएशन एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए मॉड f1 माइनस f2 बाय 2, क्यों समझ में आया ना, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ओमेगा t, और ओमेगा मतलब क्या 2π मॉड f1 माइनस f2 बाय 2, तो फ्रीक्वेंसी से क्या होगा ओमेगा बाय 2π, तो पाई पाई कैंसल, या मॉड f1 माइनस f2 बाय 2, सिंपली यहां पर हमने क्या ओमेगा बाय 2π क्या है 3, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन इज 3, देन व्हाट इज अ बिट फ्रीक्वेंसी, इसका डबल, सो बिट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 6। समझे नहीं, गुड आउट, हमको यही बताना था, इस समय इतना कुछ किया, काम का चीज बस यही था, ये क्वेश्चन आ सकता है, समझे, मैं फिर से बिट को समराइज कर रहा हूं, हमने बीट में क्या बताया, वी हैव टू सोर्सेज हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दे हैव बीन साउंडेड टुगेदर, देन एन स्टैंडिंग ऑब्जर्वर विल गेट मैक्सिमम मिनिमम एट डिफरेंट टाइम्स, सो बीट इज नंबर ऑफ मैक्सिमम हर्ड बाय ऑब्जर्वर इन 1 सेकंड, दैट इज मॉड f1 माइनस f2, गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम इज 1 बाय मॉड f1 माइनस f2। फिर हमने इक्वेशन लिखा, तो हमको ये इक्वेशन आया, नेट वेव का इक्वेशन आया, तो इसको हमने बोल दिया ये एम्पलीट्यूड है, जिस सिस्टम होता है ए साइन ओमेगा टी, हमने ये एम्पलीट्यूड ए है और ये साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या है मॉड एफ1 माइनस f2 बाय 2, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी फॉर इंटेंसिटी वेरिएशन विल बी डबल ऑफ दिस, कैसे मैं अपना समझाया, दिस इज कॉल्ड बिट, हो गया ओके। सो ये चैप्टर हमारा एंड हुआ, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास अब स्टार्ट करेंगे वेब ऑप्टिक्स, उसमें हम बार बार बोल रहे हैं मेरे पार्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, और अभी हम सिर्फ इंटरफेरेंस पढ़ाएंगे, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, पहली बात एडवांस सिलेबस में वो है नहीं, वो सिर्फ मेंस के सिलेबस में है और नीट में है, मेंस नीट और बोर्ड में है, तो उसमें कुछ सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, समझने वाला पार्ट मेनली इंटरफेरेंस में है, दो फॉर्मूला डिफरेंस पोलराइजेशन मिला के दो चैप्टर मिला के दो फॉर्मूला है, उसी से क्वेश्चन आता है, तो अभी पढ़ाऊंगा बाद में भूल जाओ इसे भी, ठीक है, उसको हम ऐसे भी एग्जाम के मतलब लास्ट में पढ़ाते हैं डिफरेंस ऑफ पोलराइजेशन,
तो अभी मैं सिर्फ इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा, और इंटरफेरेंस का मैं मोर देन 60% पार्ट पढ़ा चुका हूँ। मैं हुजर्स प्रिंसिपल से स्टार्ट करूँगा, फिर YDSC में जाएंगे और होपफुली हम नेक्स्ट वीक सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तब तक जब तक चूंकि अब चैप्टर में नया स्टार्ट हुआ, तब होमवर्क मैं दूंगा नहीं, ऑलरेडी मैं इंटरफेरेंस का होमवर्क बहुत करवा चुका हूँ, तब बस अभी टाइम है तो आपको इसका पूरा सेट कंप्लीट करना है। मैं ऑलरेडी एक होमवर्क दे चुका हूँ, फिर आगे और दूंगा, ओके ठीक है। बहुत परेशान किया चैप्टर में और मैं आज क्लास से कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी कन्फ्यूज किया आपको, होपफुली आप समझ गए होगा, अदरवाइज फिर तो हम मिलेंगे और क्लास में बात करेंगे, ओके बाय बाय।